हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर्ब। आज के इस वीडियो में हम लोग ये पूरा लुक क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग 10 मेकअप प्रोडक्ट्स ओनली। तो देखते हैं मैंने कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और कौन कौन से सैक्रिफाइस करे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लैम 21 का कंसीलर यूज़ करा है इन शेड फेयर। आप सब अगर मेरी वीडियोज़ देखते हो आप लोगों को पता होगा ये कंसीलर मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ये आप लोगों को फुल HD फिनिश देता है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यू नो थिक है, दैट्स वाई। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आई मैजिक की प्रोफेशनल 16 कलर आई शेडो पैलेट। इसमें से ब्राउन आई शेडो मैंने लिया है और अपनी हाफ आईज में मैं इस ब्राउन आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। जो ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल लोकल है, ब्रांडेड नहीं है। अगेन मैंने सेम कंसीलर लिया है, इसी की हेल्प से मैं कट क्रीज कट करने वाली हूँ। फ्लैट कंसीलर ब्रश पे कंसीलर लूंगी और कट क्रीज कट कर लेंगे। मैं यूजुअली मेकअप रिमूवर पहले यूज़ करती हूँ कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए, बट आज मैं सिर्फ कंसीलर से करने वाली हूँ क्योंकि 10 मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं हमने। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रीम कलर का पिगमेंट ले रही हूँ और उसको मैंने अपनी कट क्रीज पे अप्लाई कर लिया था। फॉर आईलाइनर आई एम यूजिंग लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर। एक अच्छा सा विंग ड्रॉ कर लेंगे, यू नो ब्रॉड सा आपको विंग आईलाइनर ड्रॉ करना है। बस पीछे से ना कनेक्ट नहीं करना, पीछे से आप, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। अभी मैंने ब्लैक आई शेडो ली है और आईलाइनर को अच्छे से लॉक कर दिया है और बाद में ब्लैक आई शेडो की हेल्प से ही आईलाइनर के जो एजेस थे ना उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया था। अभी आप देखोगे मेरी दोनों आईज में जो आईलाइनर है ना उनके कर्व, एक साइड में तो कर्व जा रहा है एक साइड पे स्ट्रेट जा रहा है, तो इतना ऊपर नीचे चलता है यार। मैंने इतनी मेहनत से कट क्रीज ड्रॉ करी है तो अब मैं फिर से तो आई लुक क्रिएट नहीं करूंगी, तो इतना ऊपर नीचे चलता है। फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का मूस फाउंडेशन प्राइमर। बहुत अमेजिंग है, अगर आप लोग प्राइमर के पर्पज से लेना चाह रहे हो इसको तो लेना, अगर फाउंडेशन के पर्पज से ले रहे हो तो मत लेना। नेक्स्ट फेयर आई एम यूजिंग शुगर की फाउंडेशन स्टिक इन शेड लाटे। वैसे मैं नॉर्मली कंसीलर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ टू हाइड माई डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन, बट आज क्योंकि 10 मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे तो मैंने अपने कंसीलर को स्किप कर दिया यहाँ पे और सिर्फ ये शुगर की स्टिक ऐड करी है। इसी से मैं अपने डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन भी हाइड करूँगी और इसी को ही मैं एज अ फाउंडेशन भी यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा फेयर शेड है ये, और साथ में इसको ब्लेंड करने के लिए मार्स का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। 4-in-1 ट्रेवल फ्रेंडली ब्रश है ये। ये ब्रश का जो फाउंडेशन साइड का जो ब्रश है ना इसका एरिया काफ़ी ब्रॉड है, तो ये एक ही बारी में ना काफ़ी अच्छे फेस के एरिया को कवर करता है, तभी जल्दी जल्दी से आपका फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। अब कर लेते हैं फेस की हाईलाइटिंग। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ब्राइट अंडर आइज काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई हैं, इसीलिए मैं अपनी अंडर आइज़ में हाईलाइटिंग भी करती हूँ और अंडर आइज़ को बेक भी बहुत ज़्यादा करने लग गई हूँ, जिसके लिए मैंने सेम कंसीलर यूज़ किया है ग्लैम 21 का। इसी से अंडर आइज़ की ब्लेंडिंग अंडर आइज़ की हाईलाइटिंग कर लेंगे और ब्लेंडिंग के लिए भी सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो कि अगेन लोकल है। 2 साल से मैं इस ब्रश को यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है ये। अमेजोन से मैंने परचेज किया था, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस ब्रश की। अच्छे से सब कुछ ब्लेंड करने के बाद हम लोग करने वाले हैं बेकिंग, ठीक है। उससे पहले अंडर आइज में आपको हमेशा कंसीलर डैब करना है, कभी भी ड्रैग नहीं करना है। जब भी आप ड्रैग करोगे ना आपकी अंडर आइज पे पैचेस आने के चांसेस हैं, सो डोंट ड्रैग, ऑलवेज डैब। नेक्स्ट आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 का ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो कि बिल्कुल यू नो वाइट पाउडर है ये, वो यूज़ करूँगी। बेकिंग कर रही हूँ, सेम ब्रश है मास कॉस्मेटिक्स का और उसकी हेल्प से पहले मैंने अपनी अंडर आइज को सेमी लॉक कर लिया था। इसके बाद मैं अगेन खूब सारा पाउडर ले रही हूँ। अब हम लोग करेंगे बेकिंग। अगर आप लोग सीधा ही खूब सारा पाउडर लेके बेकिंग कर लोगे ना तो पैचेस आने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। आप लोग पहले अच्छे से सेमी लॉक कर लो फिर बेकिंग करो। नेक्स्ट मैंने अपना पूरा फेस लॉक कर लिया था एंड कॉन्टोरिंग ब्लश और हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट। इसमें से मैंने कॉन्टोर लिया था क्योंकि 3 अलग अलग प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकती थी मैं, इसीलिए मैंने एक ही पैलेट ली है मल्टीपर्पस, जिससे मैंने कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइटर दोनों कर लिया था। कॉन्टोर करने के बाद मैंने अपनी अंडर आइज से पाउडर को रिमूव कर दिया था एंड ब्लश के लिए मैंने अगेन सेम पैलेट यूज़ करी है जो कि सुपर डुपर पिगमेंटेड ब्लश है इसका, एंड हाईलाइट के लिए भी सेम पैलेट यूज करी है। ये हाइलाइटर मेरा ऑलमोस्ट खत्म था, बहुत ही प्रिटी पिंक सा हाइलाइटर है ये और मेरे को बहुत पसंद था ये हाइलाइटर, तभी खत्म हो चुका है ये अभी तक। इसकी एक्चुअली यू नो फिनिशिंग हाइलाइटर की बहुत बढ़िया है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और कर लेते हैं मस्कारा। मस्कारा के लिए हेयर आई एम यूजिंग मार्स का हाई टॉप मस्कारा एंड इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही डायमंड लाइक पैकेजिंग है इसकी और इसकी वॉन्ड जो है ना बहुत ही फाइन है। नॉर्मली मस्कारास की जैसे यू नो थोड़ी सी थिक वॉन्ड होती है ना वैसी नहीं है, थोड़ी सी थिन सी वॉन्ड है और इसमें मैंने अभी एक कोट ही अप्लाई कर रही हूँ। आपको ना इसकी वैसे तो ये मस्कारा मैट है ठीक है, बट इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी है और जैसे ये ड्राई हो जाता है ना एकदम मैट हो जाती हैं आपकी आई लैशेज, एकदम यू नो हार्ड सी आई लैशेज हो जाती हैं। और नॉर्मली मैट मस्कारास में क्या होता है काफ़ी थिक होते हैं वो, बट ये वाला थिक नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विडी ज़्यादा है। और अंडर आइज में मैंने वाइट काजल लगा लिया था एंड फॉर लिपस्टिक हेयर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप पैलेट। लिप लाइनिंग करने के लिए लिप लाइनर आज ऐड नहीं किया क्योंकि अगेन 10 प्रोडक्ट्स यूज़ करने थे, दैट्स व्हाई। सो यस दिस इज़ इट फॉर टुडे, ये था मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को अगर ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।